जिला चंबा में शनिवार को कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने जिला में कोरोना का पहला टीका लगवाने वाली मेडिकल कॉलेज की छात्रा को फूल भी भेंट किया। टीकाकरण अभियान के शुभारंभ मौके पर सीएमओ चंबा डॉक्टर राजेश गुलेरी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश भारती, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मोहन सिंह भी मौजूद रहे। कोरोना टीकाकरण के पहले दिन जिला मुख्यालय के दो केंद्रों पर 128 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। पहले चरण में 16, 18, 21, 23, 28 और 30 जनवरी और 1 फरवरी तक टीकाकरण अभियान पूरा किया जाएगा। इन 7 दिनों में जिले के लगभग सभी स्वास्थ्य वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। यह वैक्सीन सरकार द्वारा निःशुल्क लगाई जा रही है। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स जो दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा में हाजिर थे और अपने आप को उसमें रिस्क में इन्वॉल्व करते थे, उनके लिए वैक्सीन शुरू हुआ है। और सबसे पहले हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको वैक्सीन लग रहा है, तो आज खुशी का दिन। बताएंगे कि जैसे आज आप चंबा जिला के जो वैक्सीनाइजेशन हो रही है यहाँ पे पूरी, ठीक है, तो फर्स्ट कैंडिडेट आप हैं यहाँ पे आईना ठाकुर, यहाँ पे तो आप बताएंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है आज, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। हाँ जी, मतलब पहले जब मुझे पता चला कि वैक्सीनेशन हो रही है तो पहले तो मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, और मतलब मैं पहले रेडी भी थी लगवाने के लिए, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि अब हम ही सबसे पहले लगाएंगे, मानने वाले डॉक्टर्स हैं, तो हम लोगों को थोड़ा इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो भी आगे वैक्सीनेशन लगवाए। और वैक्सीनेशन ज़्यादा अच्छी बात है कोविड होने से, तो हम सबको इंस्पायर करेंगे कि अगर हम लगा सकते हैं तो बाकी लोग भी लगवा सकते हैं, तो सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। मैडम, अगर जैसे देखा जाए कि ये एक साल लंबी चलने वाली बीमारी है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी लोगों को, लेकिन अभी अलग अलग जो कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में तो अलग अलग लगा रही हैं, तो आप क्या यहाँ पे अच्छा महसूस कर रही हैं यहाँ पे कि ये हिंदुस्तान की एक अपनी बनाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो एक वैक्सीनाइजेशन है, तो क्या बताएंगे, ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कई लोग तो ये सोचते हैं कि अगर बाहर की वैक्सीन है तो ज़्यादा अच्छी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया वालों ने भी अपनी काफ़ी रिसर्च की है, और उसके बाद उन्होंने अगर वैक्सीन निकाली है तो काफ़ी ट्रायल्स के बाद निकाली है, तो वो वैक्सीन भी अच्छी ही होगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर बाहर की नहीं है तो अच्छी नहीं है, अगर इंडिया की है तो और भी अच्छी बात है। हमें अपने देश की वैक्सीन को और बढ़ावा देना चाहिए बाहर की वैक्सीन से, क्योंकि हमें उसकी इकोनॉमी में हमारा फ़ायदा होगा, तो हमें देश की वैक्सीन को बढ़ावा देना चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।